हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन दहिया। आज हम लेसन प्लान 8th करेंगे रियल टीचिंग का, जो आपकी फाइल है कॉमर्स, टीचिंग फाइल कॉमर्स, तो उसका लेसन प्लान 8th करेंगे। 7th तक हमने कर लिए थे। जो टॉपिक लिया है मल्टीनेशनल कंपनीज टॉपिक है हमारा, और कॉमर्स की ये फाइल है। जिन्होंने लेसन प्लान 7th तक बना लिए हैं तो आज लेसन प्लान 8th कम्प्लीट कर लेते हैं। देखिए, आपने जब तक तो 7th बनाए हैं तो टॉपिक्स और पैटर्न आपको पता चल गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आज हम लेसन प्लान 8th करेंगे। सिर्फ टॉपिक चेंज होगा, पैटर्न सेम रहेगा। फर्स्ट कंटेंट एनालिसिस, फिर जर्नल एम्स वगैरह, ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद है टीचिंग एड्स, कौन कौन से हम टीचिंग एड्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। देखिए, अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आप बनाना चाहते हैं कॉमर्स की फाइल, तो आप ये लेसन प्लान्स की वीडियो स्टार्टिंग से देख सकते हैं, जिसमें हमने माइक्रो टीचिंग की है, डिस्कशन लेसन भी किए हैं, सिमुलेटरी टीचिंग की भी किए हैं। तो आप सारी वीडियोस देख के अपने लेसन प्लान कवर कर सकते हो। सब में पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, पीडीएफ फाइल से भी आप अपनी फाइल्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं वीडियोस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो टीचिंग एड्स में जनरल टीचिंग एड्स हैं, इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स हैं, जिसके माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, चार्ट या फिर मॉडल्स हैं, वो सब आपके इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स में आ जाएंगे। फिर प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड, उसके बाद है कुछ टेस्ट होंगे, ओरल टेस्ट, जो दो चार क्वेश्चन जो हम बच्चों से पुट अप करते हैं। नो रिस्पॉन्स होने के बाद बच्चों का फिर अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, जिसमें हम अपना जो टॉपिक है वो अनाउंस करेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन होगी। इस तरह से आप प्रेजेंटेशन करोगे, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट्स आपको लिखने हैं, फिर पीपल टीचर्स एक्टिविटी लिखनी है, फिर पीपल्स एक्टिविटी, फिर चॉकबोर्ड वर्क। इस तरह से आपको एक ब्लैक चार्ट पेस्ट करना है। टीचिंग पॉइंट्स में आपको मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स वगैरह, करेक्टरिस्टिक्स, जो भी मेन मेन फीचर्स होते हैं वो आपको टीचिंग पॉइंट्स में लिखना है। और पीपल टीचर्स एक्टिविटी में सारी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी एज ए टीचर, और पीपल्स एक्टिविटी में जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी होगी वो इन्वॉल्व होगी। देखिए, यहाँ पे डेफिनेशंस है, फिर आप जो डेफिनेशन बता रहे हो बच्चों को, किस किस ने डेफिनेशन दे रखी है, ये सब है। और पीपल टीचर्स एक्टिविटी में आपकी एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आपको ज़रूर लिखना है कुछ ना कुछ, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर आपकी आप जो पढ़ा रहे हो बच्चों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ब्लैक चार्ट ज़रूर पेस्ट करना है। इस तरह से नेक्स्ट पेज आपको जो मेन टॉपिक हो, टॉपिक में जो मेन चीज़ होती है वो आपको यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करनी है। देखिए, जो चार्ट था उसके नीचे का है पोर्शन है ये। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कुछ भी अगर फाइल में दिक्कत है, कुछ मिसप्रिंट्स है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट पेज है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। डिमेरिट्स क्या क्या हैं इसकी, वो भी आपको यहाँ पे लिखनी है। देखिए, अगर आप बच्चों से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो तो बच्चों का जो रिप्लाई आएगा वो आपको लिखना है स्टूडेंट्स एक्टिविटी में, क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं बीच में, तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसी के थ्रू, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं बच्चों से, ताकि हमें बीच बीच में ये पता चलता रहे कि बच्चे समझ भी रहे हैं उस चीज़ को या नहीं। तो इसलिए जो क्वेश्चंस आप पुट अप करोगे उसके आंसर जो होंगे वो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएंगे, और जो आप क्वेश्चन करोगे वो पीपल्स टीचर एक्टिविटी में, एज ए आपकी जो एक्टिविटी होगी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर लास्ट में जर्नलाइजेशन, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक पूरा, जो आपका लेसन प्लान होने के बाद आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे या फिर
इमेजिन करके चलेंगे कि आपने जितना बच्चों को अब तक पढ़ाया है बच्चों को समझ में आ गया है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस पुट अप करोगे, यहाँ पे है नहीं वो, क्वेश्चन पुट अप करोगे, उसके बाद आप बच्चों को होमवर्क दोगे। देखिए क्वेश्चन पुट अप में आप बच्चों से फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हो, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, क्योंकि अभी तक आपने 7 लेसन प्लान बनाए हैं उसमें सब में आपने इंक्लूड किया है, तो आप यहाँ चाहे तो इंक्लूड कर सकते हो, किस तरह से करने हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा अब तक। तो लास्ट में आपको होमवर्क देना है और कॉन्टेक्स्ट, कौन सी बुक आप पढ़ा रहे हो, कौन सी क्लास है और जो राइटर हैं बुक के वो कौन है, आपको यहाँ पे जो नाम है वो मेंशन करना है, ठीक है। तो ये था लेसन प्लान 8, पूरी जो आपकी टीचिंग फाइल कॉमर्स है उसका लेसन प्लान 8 रियल टीचिंग का, और इसकी पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू।